नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष कुलचंद तिर्की जी। आइए इनसे जानते हैं कि 1932 पर सरकार ने एक तरह से सीधा ना कर दिया है, क्या कहिएगा? आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने सदन में कहा कि 1932 का जो है खतियान के आधारित पर स्थानीय नीति जो है नहीं बन सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनभावना है जिसके लिए झारखंड राज्य को लड़ के लोगों ने लिया है और पूरे आंदोलन है पूरे झारखंड में कि 1932 लागू करना होगा, और यहाँ तक कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बन रही थी तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान हम लोग लागू करेंगे और इसमें स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन जब सरकार बनने के बाद में जो है ये आदमी को और जो झारखंड वासी को एक ठगने का काम किया है, क्योंकि जिस वादे पे आपने जो सरकार बनाया उस वादे को आपने मतलब मुकर रहे हैं कि हम नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब आप जनता को धोखा बन के मुख्यमंत्री बने हैं। और चूंकि देखिए कार्यपालिका का अलग काम होता है, न्यायपालिका का अलग काम होता है, विधायिका का अलग काम होता है। विधायिका का काम है कि कानून को मतलब बनाना है, उनको कानून बना सकते हैं, और न्यायपालिका का काम है कि उसको क्रियान्वयन करना है। तो झारखंड में कानून ला के जो 1932 का खतियान जो है आधारित नियोजन नीति बन सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव के कारण, जानकारी के अभाव के कारण जो है मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह कर दे रहे हैं। इतना झारखंडी जनमानस का जो भावना है उसे खिलवाड़ करने का काम किए हैं। उनको ये करना था कि ठीक है जो अपना विधेयक को ला करके उसको सदन से पास करके उसको भेजना चाहिए था, बाकी बात क्या होता नहीं होता तो बात की चीज़ है, तो न्यायपालिका जो प्रक्रिया होता उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अपने से कह देना कि नहीं मतलब हाईकोर्ट इसको खारिज कर देगा, तो ये हमको मेरी समझ से ये एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। अपना कुर्सी बचाने के लिए अपना सत्ता की लालच में अंधे हो चुके हैं, जनभावना से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को जनता की जो आवाज़ है उसको सुनाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से जनता ने उसको चुन करके जो है कुर्सी पर बैठाया है उसी तरह से जो है जनता उसको उतारने का काम करेगी, चूँकि अब हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो जनभावना के खिलाफ में काम कर रही है। और यहाँ जो आदिवासी मूलवासी का जो जनभावना है कि हेमंत सरकार जो है हमारे हित में काम करेगी, लेकिन उनके जो इरादे पे उनके जो भावना है उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में जनता जवाब देगी। गठबंधन की सरकार है, उनकी जो कुर्सी का जितना भी उसका खुट्टा है वो अलग अलग दलों ने बांध के रखा है, और अगर उनको ये सरकार जो है खुश नहीं रखेगी तो इनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। जिसको मतलब डर है कि हम यदि गठबंधन का धर्म हम नहीं निभाते हैं तो हमारी सरकार खतरे में आ जाएगी, इसीलिए उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए अपना जो है इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो जनभावना है सभी के दिलों में है, और एक जो विधायक जो है अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह है, जनता को जवाबदेह है, ऐसे व्यक्ति अगर जनता की आवाज़ बन के अगर सदन में उठाने का प्रयास करता है उसको भी बोलने नहीं दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि उनके अपने जो विधायक है बोलना चाहते हैं लेकिन जो सीएम साहब के डर से वो लोग बोल नहीं पाते हैं। और एक तो विधायक जो हिम्मत किया था उसका क्या नतीजा हुआ आप लोग ने देखा है, कितने वो भावुक हुए, कितने अंदर भी रोए बाहर भी रोए, तो इससे विद्रोह का भावना पैदा हो रहा है। निश्चित तौर से ये आने वाला दिन में ये जेएमएम जैसा पार्टी विलुप्त होने के कगार में आ जाएगी। तो आपने सुना कि कुलचंद तिर्की का 32 खतियान पर क्या स्टैंड है, उन्होंने क्या कहा, हमने आपको सुनाया। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।